कुछ समय पहले इंदौर में एक विधायक ने अपने बल्लेबाजी का हुनर दिखाते हुए नगर निगम के कर्मचारियों को पीट दिया था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया। लेकिन अब महाराष्ट्र के एक विधायक ने भी कुछ ऐसा ही किया है। इन्होंने अपने बचपन का हुनर दिखाया है, जिसकी वजह से मीडिया में यह बहुत चर्चा में है। अभी आकाश विजयवर्गीय का मामला खत्म भी नहीं हुआ था तो एक और विधायक ने ऐसा ही कर दिया। कल कांग्रेस के विधायक नितेश राणे ने एक नगरपालिका के इंजीनियर के साथ बदसुलूकी की और गाली गलौज की, जिसके बाद उन्हें इंजीनियर की FIR पर पकड़ लिया गया है। कांग्रेस के विधायक नितेश राणे पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। जब नितेश राणे ने ये देखा कि यह मामला काफी बढ़ रहा है तो उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राणे और उनके 40-50 समर्थकों के खिलाफ IPC की धारा 353, 342, 332, 324, 323, 120A, 147, 143, 504 और 506 के तहत FIR दर्ज की गई है। दरअसल मामला यह था कि विधायक नितेश राणे ने नगरपालिका के डिप्टी इंजीनियर प्रकाश सादेकर को कांडकवली इलाके में सड़क निरीक्षण के लिए बुलाया था। मुंबई के आसपास और कोंकण इलाके में पिछले दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते मुंबई गोवा हाईवे पर बड़े बड़े खड्डे हो गए थे, जिसमें कीचड़ जमा हो गया था। विधायक इसी वजह से नाराज थे और उन्होंने इंजीनियर को निरीक्षण के लिए बुलाया था। वीडियो में राणे को इंजीनियर को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है, हर दिन स्थानीय लोगों को गुजरने वाले वाहनों से ऐसे कीचड़ का सामना करना पड़ता है, आप भी इसका अनुभव करें। इस बात के बाद ही उनके समर्थकों ने उनके ऊपर कीचड़ डाला था। इस मामले में पूर्व CM नारायण राणे ने भी अपने बेटे के इस व्यवहार पर नाराजगी जताते हुए कहा, हाईवे के लिए प्रदर्शन ठीक है लेकिन हिंसा पूरी तरह गलत है। यदि एक पिता बगैर गलती के माफ़ी मांग सकता है तो बेटे को भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हम आपको बता दें कि आकाश विजयवर्गीय के बल्ले से मारने के बाद ये तीसरा केस है जिसमें एक विधायक किसी सरकारी कर्मचारी को मार रहा है। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज़ को करें सब्सक्राइब, ताकि पहुँचता रहे हमारा हर अपडेट। धन्यवाद।